हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे CAPF न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जिसकी आवेदन शुरू कर दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम CAPF न्यू रिक्रूटमेंट 2024 एज लिमिट की बात करेंगे। अगर हम मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल तक रखी गई है। यानी 20 साल से लेकर 25 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट रखी गई है। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो हमारा इम्पोर्टेंट डेट्स, सबसे पहले हम एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 24/4/2024 रखी गई है। लास्ट डेट टू अप्लाई की बात करें तो हमारा लास्ट डेट टू अप्लाई 14/5/2024 रखी गई है। मॉडिफाई फॉर्म अप्लाई डेट की बात करें तो हमारा मॉडिफाई फॉर्म डेट 15/5/2024 से 21/5/2024 तक रखी गई है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो हमारा एग्ज़ाम डेट 4/8/2024 रखी गई है। अगर हम CAPF न्यू रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल्स चेक करें तो सबसे पहले नेम ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो कॉम्बाइंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। टाइप ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो हमारा टाइप ऑफ एग्ज़ाम बोर्ड लेवल पे रखा गया है। लेवल ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो हमारा लेवल ऑफ एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम रखी जाएगी। पोस्ट, अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 506 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर हम कोर्स की बात करें तो हमारा कोर्स नेम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF एग्ज़ाम 2024 रखी गई है। एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय की बात करें यानी ऑर्गेनाइजेशन नेम की, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो हमारा पोस्ट नेम असिस्टेंट कमांडेंट्स ग्रुप ए के लिए भर्ती निकाली गई है। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड रखा जाएगा, यानी इंडिया के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर पाएंगे। अगर हम CAPF न्यू रिक्रूटमेंट 2024 क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ डिग्री ग्रेजुएशन की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। और भी जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन चेक करके जानकारी ले सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो हमारा एप्लीकेशन फ़ीस, सबसे पहले हम जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स की बात करें तो 200 रुपये की फ़ीस रखी गई है। SC/ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो SC/ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नो फीस, यानी SC/ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी फीस पे नहीं करना है। अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो हमारा पेमेंट मोड ऑनलाइन मोड रखा गया है, यानी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप अपना फीस पे कर पाएंगे। अगर हम UPSC CAPF न्यू रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले हमें रिटर्न टेस्ट देना है यानी रिटर्न एग्जामिनेशन, उसके बाद फिजिकल टेस्ट डिटेल्स हमें देना है, PET PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट, उसके बाद हमें मेडिकल एग्जामिनेशन देना है, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर हम UPSC CAPF न्यू रिक्रूटमेंट 2024 इम्पोर्टेंट लिंक की बात करें तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप यहां से अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप यहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप ऑफिशियल साइट पर जा पाएंगे।
अगर आप भी UPSC CAPF के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है। और भी इसकी कोई नई अपडेट आती है तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।